अभी के हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी, वरिष्ठ सदस्य इस संस्था के पूर्व विधायक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, पेट्रोलियम विभाग के सचिव आप सभी के परिचित तरुण कपूर जी, जिनकी सौजन्य से ये कार्यक्रम आज हुआ, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के एमडी आदरणीय एके जाना जी और इस अग्रसेन हॉस्पिटल के प्रमुख देश की जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दीपक सिंघला जी और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिक वृंद, इस संस्था के संस्थापक सदस्य भाई और बहनों, पत्रकार मित्रगण और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले देश तथा दिल्ली की सभी नागरिक भाई और बहनों, मैं दोनों संस्थाओं को धन्यवाद देता हूँ। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल समूह को धन्यवाद देता हूँ, आपने महाराजा अग्रसेन जी के नाम को सार्थक करते हुए, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक काम की एक नया आयाम आपने शुरू किया है, विशेष करके दिल्ली में हेल्थ सेक्टर में और एनसीआर में हेल्थ सेक्टर में, वो यहाँ का पंजाबी बाग स्थित इस हॉस्पिटल हो, द्वारका वाले हॉस्पिटल हो या आने वाले दिनों में बहादुरगढ़ में, शायद जिस प्रकार की कल्पना आप लोगों ने सबने हमको बताया, शायद ये देश की एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र बनाने की आप लोगों की जो सपना है वो भी हो और उसी पूरा समुद्र मंथन में आपने आज आईजीएल को भी मौका दिया, उसमें से थोड़ा अर्घ्य डालने के लिए, थोड़ा उस यज्ञ में थोड़ा घी डालने के लिए। मित्रों, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ। आज जून 13 तारीख है, 13 ही है ना, जून 13 तारीख, दो महीना पहले और विशेष करके एक महीना पहले क्या स्थिति देश की थी, ऑक्सीजन को लेके क्या देश की स्थिति थी। मैं आपको एक तथ्य आपके सामने, ऐसा नहीं कि इस तथ्य आपके सामने नहीं, लेकिन मैं आज के दिवस पे उसको स्मरण कराना चाहता हूं। पिछले बार जब कोविड आया, और ये कोविड ऐसा नहीं सिर्फ भारत को आया, कोविड देश भर में आया, दुनिया भर में आया। पिछले साल जब भारत में कोविड आया, सितंबर महीने में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लगी थी और उसकी कंजम्पशन उन दिनों में 2500 मेट्रिक टन पर डे था। ये मैंने देखा आइनॉक्स की आपकी एक पुरानी प्लांट है, आइनॉक्स वालों का है ना, आइनॉक्स वालों की 7 टन की एक प्लांट आपके पास है, प्रतिदिन 7 टन, यानी आपके किसी भी प्रकार के डॉक्टर साहब ऑक्सीजन बेड कितना होते थे, किसी भी प्रकार के 300 बेड में आपकी ऑक्सीजन प्रबंधन था, अच्छा हॉस्पिटल है ये, और डेली खपत कितना होती थी, दो टन। अभी कोरोना के पीक में कितना किया आपने, 8 टन। जो आपके हॉस्पिटल की स्थिति बनी, देश की भी ऐसे स्थिति बनी, और देश में तो अनेक जगह पे ऑक्सीजन की कल्पना भी नहीं था। जो जिला हॉस्पिटल है, जो सुदूर इलाका में हॉस्पिटल है, मैं तो बचपन से हॉस्पिटल की अंदर एक दो बड़े बड़े काले सिलेंडर ऑक्सीजन की हैं, वो रहता है, कोई उसको कभी काम पे लाने में कदबा कोचित तो होती थी। लेकिन इस बार ऑक्सीजन की जिस प्रकार की बीमारी की नेचर आया, दो दो वेरिएंट अभी अटैक किया, अदृश्य बीमारी है ये, कहां से आया, किसको आया, कितने जल्दी किसकी शरीर को
खराब किया, कोई उसको झेल लिए, इसकी कोई वैज्ञानिक समाधान नहीं हो पाया। मेडिसिन तो वही रहे। मैं खुद भी पिछले बार कोरोना में ग्रसित था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बेड में पढ़ पढ़ के सोते सोते डॉक्टर जब आते थे उनसे अभ्यास कर लिया था कि हैवी फ्लू नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, स्टेरॉयड आएगा, रेमडेसिविर आएगा, फिर टोसिलीजुमा आएगा, फिर वेंटिलेटर लगेगा, फिर भगवान के पास जाएगा। और जिसमें हिम्मत होगा, जिसकी प्रभु के ऊपर जिसकी कल्याण होगा वो बचेगा। ये सब हुई है और इसकी कोई, हाँ तो उल्टा धन्यवाद देना चाहिए भारत के वैज्ञानिकों ने। इस बार जो वैक्सीन सब आई, कुछ लोग तो वैक्सीन को मजाक ही उड़ाए थे क्योंकि उनको प्रधानमंत्री जी पे बहुत श्रद्धा है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली देते देते वैज्ञानिकों को भी गाली दिए। और अभी हमें सबको संतोष होना चाहिए जो भारत की कोवैक्सीन बनाए, भारत बायोटेक, जो हमारे ICMR, ये सब हमारे डॉक्टर्स की, डॉक्टर सिंघला जैसे डॉक्टरों की जो समूह है हमारे देश में है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने जो पैसा खर्चा करके भारत बायोटेक के साथ टीका निकाला है, ये अभी की डबल वेरिएंट की टीका समस्या की सबसे प्रभावी निदान है, ये अभी प्रमाणित हुआ है। ये अदृश्य बीमारी जब पिछले बार आया था तब 2300 मेट्रिक टन से 2500 मेट्रिक टन सितंबर में सबसे ज्यादा खपत थी, और इस बार अप्रैल की प्रारंभ में ये जैसे यहां 2 टन, ऐसे देश में 1300 टन होता था खपत। अप्रैल 1 में 1300 टन खपत से बढ़ के मई 1 तक ये 7-8 हजार टन आ गया, मई मिड तक ये 10,000 मेट्रिक टन आ गया। मित्रों, देश में वो कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन हम सभी ने उसकी ताकत लगाई, देश में 10,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया गया, विशेष करके स्टील इंडस्ट्री उसमें आगे आए, उन्होंने अपना उत्पादन को कम करके ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाया, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैटेगरी ऑक्सीजन बढ़ाई और आप सभी को उपलब्ध कराया, सिलेंडर की संख्या बढ़ी, कॉन्सेंट्रेटर आया देश। तरुण कपूर जी यहां बैठे हैं, इनको सरकार काम दिया 1,00,000 कॉन्सेंट्रेटर भारत में उपलब्ध कराओ।